हे गाइस, माय नेम निकेश एंड आप देख रहे हो बिहारी गेमर यूट्यूब गेमिंग चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर इस मंथ के पूरे भी मतलब अगस्त तक जितने भी इवेंट आने वाले सारे के सारे इवेंट को कवर करने वाला हूँ। एंड गाइस, इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा जैसे कि नेक्स्ट टॉप अप इवेंट, एंड गाइस थर्ड एनिवर्सरी में जितने सारे इवेंट आने वाले कब से कब शुरू होंगे, मिशन कैसे कम्प्लीट करनी है और इसका कन्फर्म डेट क्या है ये भी बताऊंगा। और वीडियो में बहुत कुछ बताने वाला हूँ, तो वीडियो को कर देना लाइक। 500 लाइक है, मैं फटाक से कम्प्लीट कर दो। और गाइस, एक चीज और, लास्ट में मैं इस वीडियो के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं, तो भाई स्किप मत करना। और स्किप कर भी दिए तो लास्ट वाले जो पॉइंट है, लास्ट वाली जो बात है वो एक बार जरूर सुनना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। और गाइस, इस वीडियो के अंदर भी अपना गिव है, तो गिव में आप लोग पार्टिसिपेट जरूर करना। तो गाइस, एक चीज और आपको बता दूं कि ये जितने भी इवेंट आप लोगों को बताने वाला हूं वीकली एजेंडा के ऊपर बताने वाला हूं, और वीकली एजेंडा के साथ साथ इसके रिव्यू लेने वाला हूं कि कौन कौन से आइटम्स इसमें रखे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के बारे में। गाइस, ये वाली जो बैकपैक ऑलरेडी हमारे गेम के अंदर आ चुकी थी एक इवेंट में, और वो इवेंट में ये बैकपैक काफी रेयर है, तो भाई काफी ज्यादा इसका प्राइस भी रखा गया था। देन ये इसका चांस बन सकता है हमारे नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में, अगर आएगा तो कितने डायमंड में आएगा ये भी आपको बता देता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट टॉप अप इवेंट में यहाँ पे एक डायमंड अभी ब्राजील के सर्वर में एक डायमंड टॉप अप यहाँ पे बॉक्स मिल रहा है, जिसमें ग्लोबल का स्किन मिल सकता है आपको। इसके साथ साथ जो बैकपैक है इसके लिए आपको 500 डायमंड का टॉप अप करना पड़ेगा। तो भाई ये अभी जो मतलब टॉप अप इवेंट चल रहा है ब्राजील के सर्वर में चल रहा है, लेकिन ये इंडिया में आने का भी इसका चांस बन सकता है क्योंकि ये अभी इवेंट के अंदर आया है। और गाइस, बैकपैक काफी सही है, तो इसका चांस तो बहुत ज्यादा बन सकता है कि हमारे नेक्स्ट टॉप अप इवेंट के अंदर दिखने को मिल जाए। तो गाइस, ये अभी कंफर्म लीक्स नहीं है, कंफर्म नहीं है कि आएगा कि नहीं, लेकिन भाई इसका चांस बन सकता है कि ये आ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप वो बॉक्स ओपन करोगे जो एक डायमंड में मिल रहा है, उसमें यहाँ पे देख सकते हो पैन का स्किन, साथ ही साथ फायरी जो ग्लोबल है उसका स्किन दिखने को मिल रहा है, और उसके साथ साथ काफी सारे इस बॉक्स के अंदर आइटम्स है जो कि आपको मिलेंगे और काफी रेयर आइटम्स है। गाइस, फायरी ग्लूवर और फायरी जो पैन की स्किन है इसका मैंने रिव्यू पिछले वीडियो में कर दिया है, अगर नहीं देखा तो जाकर देख सकते हो वीडियो वाले ऑप्शन में। इसके साथ साथ अगर सेकंड भाई इवेंट की बात की जाए, सेकंड कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं तो उसके बारे में जानेंगे। OB23 में जो भी इवेंट्स आएंगे उसको कवर करेंगे। इसके साथ साथ थर्ड मतलब एनिवर्सरी जो आने वाली है फ्री फायर की, उसके कन्फर्म डेट के भी बारे में जानेंगे। तो गाइस, एक चीज़ और बता दूँ, अपना इलाइट पास जो है 1 अगस्त को आएगा, जो अपना सीजन 27 का इलाइट पास है। एंड गाइस, उसका एक बहुत ही अच्छा इंट्रो आया है, तो यहाँ पे ये इंट्रो देख सकते हो अपने म्यूजिक के साथ। गाइस, इंट्रो आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में यानी कि लाइव चैट में करके बताओ। एक चीज और गाइस, ये जो अपना सीजन 27 का मतलब इलाइट पास है उसका प्री ऑर्डर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, बोले तो ये मुखौटा या फिर मास्क भी बोल सकते हो, ये हमारे प्री ऑर्डर में कंफर्म हो चुका है और बिल्कुल ये आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, अब चलिए अब मेन पॉइंट की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं थर्ड एनिवर्सरी कब आएगा। गाइस, थर्ड एनिवर्सरी है जो अपना 22 अगस्त से स्टार्ट होगा, मतलब 22 अगस्त को आएगा, लेकिन इससे पहले आप लोगों को काफी सारे इवेंट्स के तौर पर काफी सारे आइटम्स भी देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको बता दूं यहाँ पे मोटरसाइकिल की स्किन, बोले तो बाइक की स्किन, उसके साथ साथ मेल और फीमेल की जो कॉस्ट्यूम थी भाई उसको मैंने रिव्यू करके बता दिया है, और इसके ऊपर मैंने खास तौर पे एक अच्छे से वीडियो बनाकर भी बता दिया कि भाई आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पे लूट बॉक्स भी देख सकते हो, जो भी आपको यहाँ पे आइटम से दिखा रहे हैं भाई ज्यादातर चांस आपको फ्री में देखने को मिलेगा थर्ड एनिवर्सरी के साथ। ये वाला बंडल भी आपको दिखाया था मैंने पिछले वीडियो में। और गाइस, थर्ड एनिवर्सरी के साथ जितने भी आपको आइटम्स दिखेंगे ज्यादातर चांस है कि वो फ्री में आपको देखने को मिले, क्योंकि एनिवर्सरी पे भाई जितने भी इवेंट्स आते हैं सबके सब मिशन कंप्लीट करने पड़ते हैं, और उसके बाद जितने भी आइटम्स होते हैं आपको फ्री में देखने को मिलता है। और एक ग्रेना सेकंड एनिवर्सरी में भी दिया था इलाइट पास फ्री, और काफी सारे रिवॉर्ड और आइटम्स भी फ्री में दिया था, तो भाई ज्यादातर चांस है कि थर्ड एनिवर्सरी है उसमें भी आपको देखने को मिले। यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे इवेंट भी चले थे पिछली बार और इस बार भी चलेंगे। गाइस, इस बार भी सारे इवेंट्स आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हो कलहारी मैप है, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो ट्रेनिंग ग्राउंड भी देखने को मिला था, उसके बाद
इलाइट के लिए जो है स्विफ्ट वाली ओ भी देखने को मिली थी, क्लास स्कोर देखने को मिला था। उसके बाद यहाँ पे थर्ड एनिवर्सरी अपना आया, तो भाई काफी सारे इसमें इवेंट्स है और काफी सारे अभी चलने वाले है और काफी सारे आइटम्स आपको फ्री में देखने को मिलेंगे। भाई जैसे थर्ड एनिवर्सरी का जितने भी इवेंट चले उसमें आप इवेंट में मिशन कंप्लीट करके फटाक से आइटम क्लेम करते चलना, क्योंकि इस इवेंट में 95% जितने भी आइटम्स होंगे भाई सबके सब आपको बिल्कुल फ्री में दिखने को मिलेगा, तो काफी एक अच्छी बात हो जाती है। और भाई फ्री का आइटम्स कौन छोड़ेगा, सबके सब भाई बंदे कंप्लीट करने पे ही लग जाते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे देख सकते हो मिशंस बहुत सारे बहुत अलग अलग प्रकार से आएंगे और वो आपके गेम के अंदर जैसे ही आएंगे पता चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे लिख्स के अनुसार बता दूं बहुत सारे इवेंट और अलग अलग किस्म के आएंगे। गाइस मिशंस कैसे आएंगे और किस प्रकार से आपको उसको कंप्लीट करना है इसके बारे में ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसके बारे में कोई नई लिख्स मिला है, जैसे ही आएगा उसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से कंप्लीट कर लो सब्सक्राइब करके। एक चीज और गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना बनता है। इधर स्किप कर सकते हो लेकिन भाई वीडियो के लास्ट में आप थोड़ा सा भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई बहुत ही जरूरी चीज को लेकर आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। ओबी 23 अपडेट के बाद आपका जो मोबाइल है अगर 2GB रैम है तो भाई काफी ज्यादा लेग होगा, क्योंकि भाई अलग अलग प्रकार के आपको पैक्स डाउनलोड करने पड़ेंगे अपने गेम के अंदर, क्योंकि भाई जैसे परगेटरी आया था अलग, उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता था, जो भी कस्टम पैक होती थी उसको अलग से डाउनलोड करना पड़ता था। तो गाइस ठीक है, ऐसे ही आपको बरमुडा 2.0 जो अपना मैप आने वाला है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा, अलग से आपको MB लगेंगे। तो भाई इस प्रकार से अगर होंगे तो आपका जो अगर 2GB रैम का मोबाइल है वो और ज्यादा लेग होने लगेगा, तो भाई ये काफी गलत होगा आप लोगों के साथ। और एक चीज और गाइस, इसके साथ साथ आप लोगों को बहुत सारे मोड भी ओपन हो जाएंगे, तो ऐसे हालत में भाई जो 2GB रैम वाले जैसे कि मैं भी हो गया भाई गेम खेलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, जैसे कि मेरा भी हो जाएगा और भाई काफी मतलब नामुमकिन के बराबर हो जाएगा गेम आपके लिए। गाइस थर्ड एनिवर्सरी की एक्टिविटी की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे अलग से भी आइटम्स रखे जाएंगे जो कि आपको रैंक टोकन से शायद एक्सचेंज करने को दिखने को मिलेगा, जैसे कि ये लूट बॉक्स और यहाँ पे AK-47 की स्किन, उसके साथ साथ यहाँ पे कॉस्ट्यूम जो रखे गए मेल और फीमेल के ये भी आपको गेम के अंदर दिखने को मिलेगा थर्ड एनिवर्सरी की एक्टिविटी के साथ साथ। तो भाई ये भी अपने इवेंट के अंदर चलने वाले है और शायद से शायद ये फ्री में दे सकते हैं, क्योंकि गाइस थर्ड एनिवर्सरी में आपको बार बार बता रहा हूँ बहुत सारे आइटम्स आपको फ्री में देखने को मिलेंगे, तो शायद ये भी देखने को मिल जाए और इसके लिए भी मिशन कंप्लीट करने पड़े और उसके बाद आपको एक्सचेंज करना पड़े, तो काफी अच्छी बात हो जाएगी। एक चीज और गाइस, यहाँ पे आपका अगर सारे के सारे गेम मोड एक साथ ओपन हो जाएंगे तो ऐसे हालत में 2GB रैम वालों के लिए तो भाई काफी मुश्किल हो जाएगा खेलना, क्योंकि भाई गन किंग, रैम्पेज, ग्रिम रिपेयर जितने भी मोड है सब एक साथ ओपन कर दिए जाएंगे, तो भाई यहाँ पे मतलब सर्वर डाउन भी हो सकता है, उल्टा पुल्टा ग्लिच भी होने लगेगा आपके गेम के अंदर। तो भाई जो 2GB रैम वाले थोड़ा सा बच के खेलना और भाई और कुछ नहीं, लेग काफी ज्यादा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे इवेंट की ओर और उसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो गाइस अपना नेक्स्ट इवेंट है लक रॉयल के ऊपर, और लक रॉयल में आपको बता दे कि जो नए बंडल्स आने वाले उसका भी रिव्यू करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को और आगे तक देखो और लास्ट तक तो देखना भूलना मत मेरे भाई, क्योंकि भाई बहुत कुछ आपको अभी बताना बाकी है, अभी तो भाई शुरू हुआ है ठीक। तो यहाँ पे देख लो ल्यूकस भी दिखने को मिलेगा अपडेट के बाद 1 अगस्त के बाद। और अगर बात की जाए गोल्ड रॉयल की मेल बंडल की तो गोल्ड रॉयल की मेल बंडल देख सकते हो और इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, तो भाई अगर नहीं देखे तो जाके देख लो फुल वीडियो बनाया मैंने। और इसके साथ साथ फीमेल कस्टम की बात की जाए यानी कि फीमेल बंडल की, तो यहाँ पे फीमेल बंडल भी देख सकते हो, ये भी आपको लक रॉयल के अंदर दिखने को मिलेगा गोल्ड रॉयल के अंदर। इसके साथ साथ अगर डायमंड रॉयल की बात की जाए तो डायमंड रॉयल में ये वाली फीमेल की बंडल दिखने को मिलेगी आपके अपने गेम के अंदर और वो भी मिलेगी आपको 1 अगस्त के बाद। उसके साथ साथ अगर मेल की बंडल की बात की जाए तो मेल की बंडल भी आपको दिखने को मिलेगी, लेकिन भाई कब, डायमंड रॉयल में दिखने को मिलेगी 1 अगस्त के बाद, यानी कि जो भी भाई है आपके OB23 अपडेट के बाद ही देखने को मिलेगा, तो ये काफी अच्छी बात है। और गाइस अब चलिए आगे जानते हैं आपको और कौन कौन से इवेंट आपको दिखने को मिल जाएंगे थर्ड एनिवर्सरी के साथ और OB23 अपडेट के बाद। तो गाइस नेक्स्ट अपडेट अपना आ रहा है ग्रोजा को लेकर, और उसके साथ साथ कस्टम रूम है भाई, जो कस्टम रूम है वो भी आपको फ्री में देखने को मिलेगा, बहुत सारे मिशन कंप्लीट करने पड़ेंगे और कस्टम रूम भी आपको फ्री में देखने को मिलेगा। अब ये कैसे देंगे इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कोई भी लिंक्स नहीं मिला है, मिलेगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और गाइस एक चीज़ और कि भाई इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यहाँ पे देख सकते हो ग्रोजा का स्किन कैसे है और किस प्रकार से इसका, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है और इसका फुल रिव्यू भी कर दिया है। और गाइस इसके साथ साथ हम लोगों को कार 90 की भी स्किन को मिलेगी, तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। और ग्रोजा की बात की जाए तो इसमें डैमेज और एक्यूरेसी बढ़ा दिया गया है और माइनस क्या किया गया है तो रीलोड से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो भाई काफी अच्छा बन जाएगा ग्रोजा का स्किन, एक्यूरेसी और डैमेज बढ़ा दिए जाएंगे।
तो गाइस इसके साथ साथ अगर नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए या फिर बोले तो इवेंट, तो बॉम्ब चार्ज इवेंट है और इस इवेंट में आपको क्या करना है, अगर आपका 100% चार्ज हो जाता है तो भाई आपको शायद बरमुडा प्लान के अकॉर्डिंग आपको नए मतलब कुछ दिखने को मिल सकता है, नया मोड दिखने को मिल सकता है या फिर नया गेम से फ्री फायर ने कोलैब किया है तो भाई वो भी आपको दिखने को मिल सकता है, उसका प्रचार या फिर कुछ भी आपको दिखने को मिल सकता है। ये बिल्कुल सीक्रेट है और इसके बारे में कोई यूट्यूबर या फिर कोई लीक्स आपको दिखने को नहीं मिला, अगर मिलता है तो आपको बिल्कुल बताऊंगा। तो लेकिन भाई इसके ऊपर भी बहुत सारे वीडियो बन चुके हैं जिसमें बंडल्स भी दिखने को मिल रहे हैं, बंदे बता रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, बंडल का कोई चांस ही नहीं बनता इस इवेंट के अंदर। और भाई आपको एक चीज और बता दूं, जो ग्रेना है इसको बिल्कुल सीक्रेट रखिए, किसी को नहीं बताइए और खुद अपने लिए बचा के रखिए, और ये जब बम बूम होगा भाई तब आपको बताया जाएगा। और अगर बात की जाए कौन सी गेम की प्रचार करिए और कौन सी गेम से भाई ये मतलब कोलैब की है, तो ये वाला गेम आप देख सकते हो और ये वाला जो मास्क है या फिर बोले तो बंडल ये भी आपको गेम के अंदर दिखने को मिलेगा। तो भाई इसके बारे में भी अभी ज्यादा कोई लीक्स नहीं मिला, आपको बता दूंगा अगर मिल जाएगा इसके बारे में और ज्यादा लीक्स। तो भाई अगर बंडल की बात की जाए कौन से बंडल अपने गेम के अंदर आ सकता है, तो क्रिमिनल बंडल रेड वाला जो है गाइस ठीक वैसे ही आपको बंडल दिखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी अभी ज्यादा लीक्स नहीं मिला, लेकिन भाई जैसे जैसे लीक्स मिलेंगे मैं वैसे वैसे बताता जाऊंगा। और गाइस आप वैसे वैसे लाइक और सपोर्ट करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। तो गाइस अब अपने मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं जिसके लिए मैंने खास तौर पे ये वीडियो बनाई है। तो भाई लोग आप लोग बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करते हो मेरे को, वीडियो पे लाइक देते हो, सपोर्ट करते हो इतने अच्छे, लेकिन भाई एक चीज़ को लेकर मेरे को काफ़ी बुरा लगा जो आपको बताना चाहूँगा आपके स्क्रीन पे। तो गाइस ये रहा स्क्रीन शॉट और ये मतलब इसका मतलब ये हुआ कि गाइस जो भी अपने बंदे हैं मेरे वीडियोज देख रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं भाई वीडियोज देख रहे हैं, लेकिन भाई सब्सक्राइब कितने परसेंट बंदे की यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे है, 7.6% ही बंदे मात्र सब्सक्राइब किए हैं और भाई 91.5% बंदे सब्सक्राइब नहीं किए। तो इस चीज़ के लिए मेरे को काफ़ी बुरा लगा, मेरे कंटेंट में क्या ऐसी गलती है भाई कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करें। और एक चीज और गाइस, मैं भी कोई भी लिंक्स बताता हूं सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूं और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, तो भाई सब्सक्राइब कर दो और कुछ नहीं बोलूंगा, ये लास्ट टाइम बोल रहा हूं और इसके बाद मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। और आपकी मर्जी की आपको मतलब मेरे वीडियोज कैसे लगते हैं, अगर वीडियोज अच्छे लगते हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अभी भी सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए तो बाय बाय टाटा टेक केयर।